नमस्कार दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 में 34 लाख से अधिक लोगों ने अप्लाई किया था और यदि हम बात करें 2023 की तो 2023 दो में दोस्तों 24 लाख से अधिक बच्चों ने अप्लाई किया था एसएससी सीजीएल में जिसमें मात्र वैकेंसी साढ़े सात हजार थी यूपीएससी 2023 वाले एग्जाम की बात करें तो दोस्तों इसमें तेरह लाख बच्चों ने अप्लाई किया था जिसमें सक्सेस रेट मात्र 1.12 का था नीट 2024 वाले एग्जाम की बात करें तो दोस्तों इसमें 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था इसी प्रकार जेई मेंस 2024 वाले एग्जाम में दोस्तों 12 लाख से अधिक स्टूडेंट ने अप्लाई किया था इसी तरह के तमाम एग्जाम्स में दोस्तों हमें यही हाल देखने को मिलता है चाहे वो एग्जाम किसी स्टेट पुलिस कांस्टेबल का हो या फिर या फिर प्राइमरी टीचर की पोस्ट का हो या फिर

चौबीस भारत की वर्किंग पॉपुलेशन दो हजार ग्यारह में इकसठ परसेंट थी जो बढ़कर दो हजार इक्कीस में चौसठ परसेंट हो गयी थी और दो हजार छत्तीस तक इसके पैंसठ परसेंट तक बढ़ने के आसार हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा फ्रॉम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनोमी मई 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 परसेंट थी जो जून 2024 में बढ़कर 9.2 परसेंट हो गई है दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन सिचुएशन है इस में जब कोई व्यक्ति लगातार जॉब की तलाश में घूमता रहता है और उसे जॉब नहीं मिलती है तो दोस्तों इस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं दोस्तों पिछले कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई है जिससे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई है इसमें से एक कारण दोस्तों दो में दुनिया में आया रिसेशन है इसके कारण दोस्तों दुनिया भर के कई देशों में कई सारे लोगों की जॉब्स गई थी बिजनेस शट डाउन हो गए थे उस रिसेशन का असर दोस्तों हमारे देश की इकोनॉमी पर भी पड़ा था इसके कारण अनुप्लॉयमेंट रेट हमारे देश में प्रभावित हुई थी 2016 में गवर्नमेंट ने हाई वैल्यू करेंसी नोट्स को डिमोनिटाइज कर दिया था जिसके कारण हमारे देश के इनफॉर्मल सेक्टर पर इसका फर्क पड़ा था जिसके कारण कई सारे लोगों की टेम्पररी जॉब लॉस हुई थी 2017 में हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी इंप्लीमेंट किया था जिसके कारण हमारे देश की इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन देखने को मिला था जिसके कारण बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट पर इसका असर पड़ा था 2020 में कोविड 19 के कारण देश में लंबे समय तक लॉकडाउन की वजह से इंडियन इकोनॉमी पर इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ा कई सारे बिजनेसेस क्लोज हो गए थे इसके कारण और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत बढ़ गई थी कई सारी कंपनियों ने लोगों की छटनी कर दी थी इनके कारण ओवर द ईयर्स भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ती चली जा रही है जिसके कारण लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही है अर्थात लोग दोस्तों बाजार में कम पैसा खर्च कर रहे हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगी लोगों के पास जॉब नहीं होगी तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है जिससे इस, इसका असर बिजनेस के ऊपर पड़ता है जिससे जो डिमांड है बाजार में वो कम हो जाती है दोस्तों हमें यहाँ एक बात ये समझनी होगी कि गवर्नमेंट सभी लोगों को जॉब नहीं दे सकती है ये एक सच्चाई है लेकिन हाँ गवर्नमेंट जॉब्स बढ़ाने के लिए कई सारी पॉलिसी ऐसी लेकर आती है पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है जिससे देश के अंदर जॉब क्रिएट हो जैसे से एक उनमें से एक है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके थ्रू हमारे देश के जो कई सारे सेक्टर हैं उनमें बाहर से पैसा लेके आती है जिसमें वो पैसा जब बाहर से आएगा अलग सेक्टर में उन सेक्टर्स से में ग्रोथ बढ़ेगी और जॉब्स वहां से क्रिएट होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी कई स्कीमें लॉन्च की हैं जिसमें 10 लाख ,00 रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है माइक्रो माइक्रो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस जिसमें युवा अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सके और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है वर्ल्ड की कई सारी कंपनियां ऑटोमेशन कर रही हैं टेक्नोलॉजी ला रही हैं अपनी कंपनियों में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ऑटोमेशन कर रही हैं जिससे कई सारे लोगों की दोस्तों जॉब जा रही हैं तो दोस्तों ऐसे में हमें ऐसे स्किल्स सीखने की जरूरत है जो इन टेक्नोलॉजी में फिट बैठती हो और उनको हैंडल करने के लिए ऐसे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों हमें ऐसे कोर्स सीखने हैं जो बदलती टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसमें फिट बैठते हो हमें ऐसे कोर्स करने की जरूरत है जिनकी डिमांड मार्केट में बढ़ रही हो फॉर एग्जाम्पल के लिए कोविड नाइन्टीन के टाइम ज़्यादातर लोग घरों के अंदर थे उस टाइम सब लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहे थे चाहे फिर वह ग्रोसरी हो मेडिसिन हो या कोई भी आइटम हो हमने ऑनलाइन कंपनी का ग्राफ तेज़ी से बढ़ता हुआ देखा था दोस्तों आप चाहें तो आप भी अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करके अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं ऑनलाइन सेल करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों एक तो है कि आप अपना खुद का एक e कर, अपनी खुद की लेना पड़ेगा। फिर आपको मार्केटिंग करने में इसमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा दूसरा तरीका यह है कि आप पहले से ही इस्टेब्लिश ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट आप अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर्ड कर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं इन कंपनियों की पहले से ही ब्रांडिंग बनी हुई है पास करोड़ों कस्टमर कस्टमर का कस्टुमर बेस है है इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों बस आपको एक प्रोडक्ट रिसर्च करके लाना है जिसकी मार्केट के अंदर ज्यादा डिमांड हो फिर दोस्तों आपको क्या करना है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से खरीदकर इन कंपनियों के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं और वहां से आपको पर डे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे और आपकी इनकम शुरू हो जाएगी यदि आपको मैन्युफेक्चर नहीं मिल रहा है तो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर आप इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट हमारे देश में है जहां पर हमारे देश के सारे मैन्युफैक्चरर होलसेलर सप्लायर रिटेलर सारे रजिस्टर्ड हैं आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि दोस्तों आप बिजनेस करना नहीं चाहते हैं आपके पास पैसा नहीं है फिर भी दोस्तों आपको पैसा कमाने की जॉब लेने की कई सारी अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री से है जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स से संबंधित कई सारे ऐसे कोर्सेस आप सीखकर इस इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं इसमें आप ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक जिसमें डिलीवरी से लेके वेयर हाउस में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनमें भी जितने भी बंदे हैं दोस्तों आप वो कोर्स कर सकते हैं जैसे वेयर हाउस मैनेजर इन्वेंट्री कंट्रोल स्पेशलिस्ट सप्लाई चेन मैनेजर लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पेशलिस्ट ये कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जिन्हें आप इनका कोर्स करके आप इन इन जगहों पर आप नौकरी पा सकते हैं इसी इंडस्ट्री में दोस्तों मार्केटिंग एंड सेल्स से संबंधित कोर्स कोर्सेज होते हैं जैसे डिजिटल मार्केट मैनेजर एस स्पेशलिस्ट कंटेंट मार्केटर सोशल मीडिया मैनेजर ईमेल मार्केट स्पेशलिस्ट सेल्स एजुकेटिव इन सब लोगों का काम होता है जो प्रोडक्ट होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर तो उनको कैसे प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोट करना है ईमेल पे कैसे प्रमोट करना है आपने देखा होगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट एक बार सर्च करते हैं फिर वो प्रोडक्ट आपके पीछे ही लग जाता है जब आप ई खोल रहे हैं तो वहाँ डिस्प्ले आ जाएगा उसका एड फेसबुक चला रहे हैं तो वहाँ उसका एड आ जाएगा तो ये काम दोस्तों इन्हीं लोगों का होता है ये कैसे करते हैं ये काम इनको आपको ये कोर्स के थ्रू आप सीखना पड़ेगा इसके अलावा दोस्तों प्रोडक्ट मैनेजमेंट जिसमें प्रोडक्ट मैनेजर मर्चेंडाइजर कैटेगरी मैनेजर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट में वेब डेवलपर एप डेवलपर डेटा एनालिस्ट आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वाले कैटेगरी uh, में आपको फाइनेंस एनालिस फाइनेंशियल एनालिस्ट अकाउंटेंट एच मैनेजर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएटिव एंड डिजाइन वाले सेक्शन में आपको ग्राफिक डिजाइनर वीडियो कंटेंट क्रिएटर फोटोग्राफर जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर लिस्ट होते हैं तो फोटो उनकी फोटोग्राफी होती है वीडियो बनते हैं इसमें भी दोस्तों कई सारे हर महीने प्रोडक्ट दोस्तों नए नए चेंज रहते हैं तो ये फोटोग्राफी का भी दोस्तों इसमें बहुत सारा स्कोप है जिनमें आप प्रोडक्ट की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कैसे करते हैं उसका कोर्स कर कर दोस्तों आप इनमें जॉब खो सकते हैं या फिर अपना खुद का आप अपना एक शॉप खोल सकते हैं तो वहाँ से आप दोस्तों कस्टमर से कॉन्टैक्ट करके अपना एक बिजनेस बना सकते हैं इसके अलावा दोस्तों लीगल एंड कॉम्प्लायंस की बात करें तो उसमें लीगल एडवाइजर कॉम्प्लायंस स्पेशलिस्ट ह्यूमन रिसोर्स में रिक्रूटर और एचआर बिजनेस पार्टनर बिजनेस डेवलपमेंट में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पार्टनरशिप मैनेजर एनालिटिक्स एंड डेटा की बात करें तो डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस की पोस्ट भी इसमें दोस्तों रहती हैं तो उनका कोर्स करके आप यहाँ वैकेंसी ले सकते हैं वेंडर मैनेजमेंट में वेंडर रिलेशनशिप मैनेजर प्रोक्यूरमेंट स्पेशलिस्ट क्वालिटी एजोरेंस में क्वालिटी एजोरेंस स्पेशलिस्ट और प्रोडक्ट टेस्टर तो दोस्तों इतनी सारी जॉब इस इंडस्ट्री के अंदर है मैंने आपको इतनी सारी पोस्टें बता दी हैं इनका दोस्तों आप कोर्स करके आपको स्किल सीखनी पड़ेगी बिना स्किल्स सीखे दोस्तों आपको कोई जॉब नहीं देगा आपने यदि नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है बी ए बी एस सी किया है उस आधार पर आपको कोई जॉब दे देगा तो वो मुश्किल है कुछ ना कुछ आपको स्किल दोस्तों आज के समय में आनी चाहिए जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एआई का जमाना आ रहा है तो उस हिसाब से दोस्तों आपको अपग्रेड करना पड़ेगा तब जाके आपको कहीं जॉब मिल पाएगी दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं इसे करने के लिए क्या क्या स्किल्स हमें सीखनी पड़ेगी तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ईकॉम मानवी को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल पर ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित वीडियो आती रहती है दोस्तों समय के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कीजिए मार्केट में जो जो बदलाव हो रहे हैं उसके हिसाब से चलिए उसके हिसाब से दोस्तों कोर्स कीजिए तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी थैंक यू वेरी मच